ग्वालियर चंबल की सियासत में आज भी जाति का सिक्का चलता है। जी हां, बात चुनाव की हो तो जाति के जाल में फंसकर विकास दम तोड़ता हुआ नजर आता है। आखिर क्यों बगावत की तासीर रखने वाला ग्वालियर चंबल इलाका इन जाति की जंजीरों को नहीं तोड़ पा रहा है? क्या ये पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जाति है तो जीत है, जाति ही जीत का मंत्र है। मध्य प्रदेश की चुनावी फिजा में ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर इस तरह के जुमले खूब सुनने को मिल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सीने में विद्रोह की आग रखने वाला ग्वालियर चंबल जाति के जाल को सालों से नहीं तोड़ पा रहा है? दरअसल चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ के लोग बिना लाग लपेट के बोलते हैं और अपने हिसाब से सच का साथ भी देते हैं, साथ भी पूरा देते हैं और मुखालफत भी पूरी करते हैं। लेकिन चुनाव का वक्त आते ही जाने क्यों जाति गान शुरू कर देते हैं। चुनाव में यहाँ का सबसे बड़ा सच जाति है। चुनाव में मुद्दे गौण रहते हैं, जाति ही सबसे खास होती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा भी इस सच को बेहिचक स्वीकार करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग पर उत्तर प्रदेश एक तरफ भिंड से इटावा लगता है और मुरैना से आगरा लगता है, तो उत्तर प्रदेश में जो जातिगत मामले हैं, जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा, पिछले 2-3 चुनाव से जातिगत आधार वहां पर बहुत बढ़ा है। इसलिए जाति का प्रभाव मैं कहूं कि नहीं है और जातीयता नहीं है तो ये न्याय नहीं होगा। इसलिए वहां पर राजनीतिक तौर पर आजकल वे मजबूत होते हैं जो जातीयता के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। कांग्रेस का भी मानना है कि ग्वालियर चंबल से जाति या जातिगत समीकरण को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि जातिगत समीकरण के साथ इस बार विकास भी चुनाव में मुद्दा रहेगा। निश्चित रूप से जो जाति या जातिगत समीकरण है वो अपरिहार्य है, मतलब उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन आप 2023 के चुनाव में एक तब्दीली जरूर देखोगे जिसके संकेत जमीनी स्तर पे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण के साथ साथ विकास भी इस बार चुनाव में आप देखेंगे मुद्दा रहेगा। राजनीतिक विश्लेषक चंबल में चुनावी जीत हार में जाति की भूमिका को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसको अच्छा नहीं मानते। 75 साल हमारा लोकतंत्र को हो गया है और यदि हम अभी भी इसी लाइन पर चलते रहे तो कहीं ना कहीं ये हमारी लोकतंत्र की उतनी अच्छी सफलता नहीं है। लेकिन हम ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ये बात प्रख्यात है कि यहाँ का चुनाव जातियों पर लड़ा जाता है। दिमनी सीट जो कि यहाँ से स्वयं कृषि मंत्री वहाँ उतरे हैं, वो सबसे बड़ा गढ़ है जहाँ पे जातियों के आधार पर ही हार जीत हो जाती है। अभी मैं जो यहाँ लगातार बात कर रहा हूँ लोगों से तो वो चीज साफ निकल के आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ग्वालियर चंबल में इस बार भी जाति ही जीत का आधार बनेगी या फिर विकास के लिए जनता वोट करके जाति के जाल को तोड़ देगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।